वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में। एंड आई होप कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे आप सबको पता है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, हमें अपने आप को बेस्ट बनाना है, ताकि हम जो एग्ज़ाम्स देके आए उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, हम भीड़ का हिस्सा ना हो। ठीक है, तो क्या करना है कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, जैसे हम कराते हैं आप लोगों को उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की, फिर से हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी इज डॉटर ऑफ क्यू व्हाइल क्यू एंड आर आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर। S is the mother of R. If M is son of S, then which of the following statement is correct? P Q की पुत्री है, जबकि Q और R एक दूसरे की बहनें हैं। S R की माता है, यदि M S का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे P Q की पुत्री बता रहा है इसमें, ठीक है ना। जो P है वो क्या है, पुत्री है, पुत्री है, तो हम सर्कल करते हैं, किसकी पुत्री है, क्यू की पुत्री है, तो क्यू एक जनरेशन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राइंगल यूज़ करते हैं, और फीमेल के लिए हम सर्कल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था जो पी है वो क्यू की पुत्री है, तो पी पुत्री है, पुत्री के लिए मैंने इसको सर्कल में कर दिया, और पुत्री है, और ये जो क्यू होगा तो इसका मतलब ये इसका पिता या माता होगी, वो हमें अभी नहीं पता है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये एक जनरेशन ऊपर कर देते हैं, यानी कि ऊपर नीचे लिखेंगे इसको आगे। जबकि Q और R एक दूसरे की बहनें हैं, देखो ये Q है और ये एक R है, ये क्या है, बहनें हैं, बहनें हैं तो क्या है, फीमेल है, और फीमेल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S R की माता है, जो R है ये, इसकी माता कौन है, S है, इसकी माता कौन है, S है, यानी कि ये R की माता है तो ये Q की माता भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें हैं और माता है, तो ये भी हमने इसमें सर्कल लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। यदि एम एस का पुत्र है, जो एम है, एम किसका पुत्र है, एस का, एस कहाँ है, ये लेडी है, और इसका पुत्र कौन है, एम है, और पुत्र है तो क्या है, ये मेल है, और मेल के लिए हम क्या करते हैं, मेल के लिए हम क्या करते हैं, मेल के लिए हम ट्राइंगल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो जो तीनों हैं ये आपस में क्या है, भाई बहन है, ये दोनों बहनें हैं और ये क्या है, भाई है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये चार ऑप्शन हमें गिवन है, तो इसमें हमें बताने कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है एस क्यू का भाई है, जो एस है क्या वो क्यू का भाई है, नहीं, ये तो लेडीज है, फीमेल है, और ये इसकी क्यू की माँ है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, एम क्यू का चचेरा भाई है, जो एम है वो चचेरा भाई नहीं है, वो तो क्या है, रियल ब्रदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे एम पी का मामा है, देखो जो पी है वो किसका पुत्री है, क्यू की पुत्री है, और क्यू का भाई कौन है, एम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मामा लगेगा। ठीक है, जो मदर होती है, मदर का जो भाई होता है वो मामा लगता है, तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा ठीक हो जाएगा। जो ऑप्शन चार दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्यू एम का भाई है, जो क्यू है वो भाई है, भाई तो नहीं है क्योंकि ये फीमेल है, तो ये यहाँ ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे एग्जाम्स में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, इससे अपर लेवल कम ही देखने को मिलता है। जो आप लोग केवी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर फाइव फ्रेंड्स, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड राजेश। मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन जो है सबसे लंबा है। सतीश इज शॉर्टेस्ट देन किशोर बट टॉलर देन राजेश। जो सतीश है वो किशोर से छोटा है और राजेश से बड़ा है। अनिल इज लिटल शॉर्टर देन किशोर। जो अनिल है किशोर से थोड़ा सा छोटा है बट लिटल टॉलर देन सतीश, जो सतीश से थोड़ा सा बड़ा है। आगे हु इज द टॉलर देन राजेश बट शॉर्टर देन अनिल। कौन है जो राजेश से तो लंबा है और अनिल से छोटा है, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या है, पांच मित्र है, कौन कौन, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश है। तो यहाँ पे मोहन है वो सबसे लंबा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने M लिख दिया, M का मतलब मोहन है, वो क्या है, सबसे लंबा है।
आगे सतीश किशोर से छोटा है, जो सतीश है वो किससे छोटा है, किशोर से छोटा है। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो मोहन है वो सबसे लंबा है। अब यहाँ पे जो सतीश है वो किशोर से छोटा है, जो किशोर से छोटा कौन है, सतीश है। तो सतीश को नीचे लिख दिया, किशोर को ऊपर लिख दिया, क्योंकि सतीश किशोर से छोटा है, ठीक है। अब लेकिन राजेश से लंबा है, जो सतीश है वो किशोर से तो छोटा है बट राजेश से लंबा है, तो राजेश से लंबा कैसे होगा ये सतीश, जब राजेश को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, जो अनिल है वो किशोर से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि थोड़ा छोटा इससे भी छोटा है या इससे भी छोटा है, अभी अभी हमने सिर्फ यहाँ इसको किशोर के नीचे लिखा है, लेकिन सतीश से थोड़ा बड़ा है। देखो सतीश कहाँ है, सतीश यहाँ, इससे क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। तो जो ये अनिल आएगा ये किशोर और सतीश के बीच में आएगा, ठीक है, यानी कि किशोर से छोटा होगा और सतीश से बड़ा होगा। आगे राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा कौन है, सबसे बड़ा लंबा कौन था, ये हमारा था मोहन था, तो मोहन को हम यहाँ लिख देते हैं। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये टोटल पांच हो जाएंगे। अब इसमें पूछा है जो राजेश से तो लंबा है लेकिन अनिल से छोटा है, राजेश कहाँ है, यहाँ है, और अनिल से छोटा है, अनिल कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पे कौन बचेगा बीच में, बीच में बचेगा सतीश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सतीश। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। देखो ये तो बहुत आसान है, या ये क्या है, एक डब्बा है, तो ये हमें बताना है इस जो फिगर है इसको कौन सा ऑप्शन पूरा इसको करेगा। तो यहाँ पे बाहर वाली जो पट्टी दिख रही है ये क्या है, ये ब्लैंक है, और यहाँ पे बाहर वाली पट्टी में इसमें डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे ये ब्लैंक है और यहाँ पे भी डॉट है, तो कौन सी बची, जो डॉट जिसमें खाली है, तो वो सिर्फ ऑप्शन सी ही इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ऑप्शन सी को क्वेश्चन मार्क की जगह पर पुट कर देते हैं तो ये इस पिक्चर को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओब्लिक आइडियाज रिटन बिलो, देन फाइंड आउट द आंसर फिगर विच इलुस्ट्रेट्स बेस्ट द रिलेशनशिप अब अमंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अल्कोहल, वाटर, थिंग्स दैट कैन बी वेपोरेट, इनमें हमें क्या बताना है, क्या इनमें रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम। तो यहाँ पे जो एवेपोरेट हो सकती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि वाष्पीकरण जो हो सकते हैं, जो उड़ सकती हैं, वो पानी उड़ सकता है और जो अल्कोहल है वो भी उड़ सकती है, तो ये कहाँ एक दूसरे के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ देखते हैं, ये आंसर हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। तो जो पानी भी उड़ सकता है और अल्कोहल भी उड़ सकती है, अब हमें देखना है ये इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, जो अल्कोहल है और जो वाटर है, ये क्या होता है, दोनों की दोनों चीजें अलग होती हैं, ठीक है। तो दोनों की दोनों चीजें अलग होती हैं, तो जो बेस्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें अलग होती हैं, पानी के अंदर अल्कोहल मिला करके तो पीते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी वेन डायग्राम चैप्टर से ही लिया गया है। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग ग्रैंडफादर, फादर एंड ब्रदर। तो यहाँ पे जो फादर और ग्रैंडफादर होते हैं, यानी कि ग्रैंडफादर के अंदर क्या आता है, ग्रैंडफादर के अंदर क्या आता है, फादर आता है, ठीक है। और इसके बाद आता है ब्रदर, ब्रदर तो ये किसी का भी हो सकता है, ये ग्रैंडफादर का भी हो सकता है और ये फादर का भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमें दिया हुआ है सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट टू द साइड हैविंग वन। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, एक वाली भुजा के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, हमें क्या बताना है, हमें एक का अपोजिट बताना है, जो एक का अपोजिट होगा वो बताना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक जो कोई भी दो डाइस उठा लेंगे और उनमें क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, वो हम पकड़ेंगे। एक एलिमेंट कॉमन कौन सा है इसमें, मैं पहले दोनों को देखता हूँ। तो यहाँ पे पाँच दिया हुआ है, यहाँ पे पाँच दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक और तीन है, यहाँ पे चार और छः है, तो हमारा काम इन दोनों से चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ पाँच ही है, जो एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसको हम एक तरफ लिख देते हैं और एक ऊपर एक नीचे लिख देते हैं।
अब किसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, तो पहले डाले डाइस में क्लॉकवाइज चलाएंगे तो पांच के बाद क्या आता है, एक आता है, तो हमने एक लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्लॉकवाइज चलाएंगे तो यहाँ पे एक के बाद क्या हुआ है, तीन आ, तो यहाँ पे हमने एक के बाद तीन लिख दिया। अब आगे करते हैं, ऐसे ही इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पे पांच के बाद क्या है, चार है, तो यहाँ पे सेकंड वाले डाइस में पांच के बाद हमने चार लिख दिया। अब इसके बाद चार के बाद क्या दिया हुआ, चार के बाद इसने दिया छह दिया है, हमें क्या बताना है, एक, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, तीन का अपोजिट छह हो जाएगा, और पांच क्या बचा, इसके अलावा जो संख्या बचेगी वो बचेगी दो, और पांच का अपोजिट अगर पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट ऑप्शन नहीं दिए उसमें, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एम पी टी वी पी एम डब्ल्यू एस है, तो के ओ एस यू को हम क्या लिखेंगे चार ऑप्शन में से। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे एम 13 नंबर पे आता है, पी 16 पे आता है, टी 20 पे आता है, और जो वी है वो कितने पे आता है, वो 22 पे आता है। और यहाँ पे पी देखते हैं, जो पी है वो कितने पे आता है, 16 पे, एम 13 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, और एस जो है वो कितने पे आता है, वो आता है 19 पे आता है। तो यहाँ पे 13 से 16 पे चले गए, क्या हुआ, प्लस थ्री हो गया, आगे वाले में 16 से 13 पे चले गए तो क्या हुआ, माइनस थ्री हो गया। अब यहाँ पे 20 से 23 पे चले गए, फिर प्लस थ्री हो गया, इसके बाद ये 22 से 19 पे चले गए तो क्या हो गया, माइनस थ्री हो गया। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रही है, प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री की, ये वाली, तो इसमें भी ऐसी ही सिक्वेंस बननी चाहिए। तो यहाँ इनकी नंबरिंग करते हैं, तो के की वैल्यू क्या होती है, 11 होती है, उसके बाद ओ की वैल्यू क्या होती है, 15, एस की वैल्यू 19 और यू की वैल्यू 21 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो पहले प्लस थ्री हुआ था तो इसमें प्लस थ्री कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14, आगे माइनस थ्री करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, उसमें फिर प्लस थ्री करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस थ्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब जो 14 नंबर पे होता है वो क्या होता है, एन होता है, ठीक है, 12 नंबर पे क्या होता है, एल होता है। वैसे आंसर हमारा ऑप्शन एक हो गया है, फिर भी इनकी नंबरिंग एक बार चेक कर लेते हैं, 22वें नंबर पे V होता है और 18 नंबर पे R होता है, तो N L V R इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन एक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो, यहाँ पे दिया है 4, 9, 20, 43, 90, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है, चार ऑप्शन हमारे पास है। तो मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड देता हूँ, आपके पास 30 सेकेंड है इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार से नौ के लिए आना है तो हम क्या करेंगे, चार में दो गुना कर देंगे और प्लस वन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा नौ बन जाएगा, यानी कि चार दूनी आठ और एक नौ हो जाएगा। अब नौ से बीस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से गुना दो कर देंगे, नौ दूनी अठारह होता है, प्लस दो करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब 20 से 43 पे आना है तो 20 से 43 पे आएंगे तो गुना दो करेंगे और प्लस थ्री कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें सिक्वेंस बन रही है, गुना दो जमा एक, गुना दो जमा दो, गुना दो जमा तीन, आगे गुना दो जमा चार होना चाहिए, यानी कि 43 गुना दो क्या होता है, 86 होता है, और 86 में चार ऐड करते हैं तो 90 बन जाता है। ऐसे ही अगला गुना दो कर देंगे तो और प्लस पाँच कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 दूनी 180 होता है, 180 में पाँच ऐड करते हैं तो 185 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में दिया है, इन द गिवन क्वेश्चन रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन इन द स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन फॉलो द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। दिए गए प्रश्न में कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाए गए हैं, इन कथनों के बाद जो दो निष्कर्ष निकलते हैं, ज्ञात कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण करता है, और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दी हुई हैं और दो ही कंक्लूजन दिए हैं, तो स्टेटमेंट क्या दी हुई है मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। जो पहली स्टेटमेंट है उसमें एन ग्रेटर है डब्ल्यू से और लेस देन इक्वल टू है क्यू,
और लेस देन एफ है। एक तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास, और एक है डब्ल्यू ग्रेटर देन जी लेस देन एच ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब हमें फोकस कहाँ पे करना, कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या दिया हुआ, जब क्यू है वो एच से या तो बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पे क्यू ऊपर वाले में है, एच नीचे वाले में है, तो इसमें कैसे पता लगेगा कि जो क्यू है वो या तो बड़ा है या बराबर है एच के। तो इसमें क्या करना है, जो पहली स्टेटमेंट है ये दूसरी स्टेटमेंट है, इनमें हमें देखना है कि जो कॉमन है वो क्या चीज़ दे रखी है। तो कॉमन इसमें हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है और यहाँ पे भी डब्ल्यू है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पता लगते हैं, लगा देते हैं, जैसे क्यू और एच के का रिलेशन बताना है ना, तो यहाँ पे क्यू यहाँ है डब्ल्यू के पास और एच कहाँ है, यहाँ इस डब्ल्यू से यहाँ पे है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा को छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो डब्ल्यू है वो छोटा है या तो छोटा है या उसके क्यू के बराबर है। ठीक है, यहाँ तो हमें पता लग गया। अब यहाँ पता करते हैं सेकंड वाली स्टेटमेंट में, जो डब्ल्यू है वो जी से बड़ा है, ठीक है, और जो जी है वो छोटा है एच से या इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो डब्ल्यू और एच है इनमें से बड़ा या छोटा कौन सा है। कैसे, जो डब्ल्यू है वो जी से बड़ा है और जो एच है वो भी जी से बड़ा है या उसके बराबर है। ठीक है, अगर बराबर है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ, बड़ा भी दे रखा है। तो एच से, एच बड़ा है जी से और डब्ल्यू भी बड़ा है जी से, तो यहाँ पे डब्ल्यू और एच में कंफ्यूजन है। यहाँ पे हम पता नहीं लगा सकते कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। अगर हम यहाँ पे पता नहीं लगा सकते तो इस चीज का जो हमें अभी पहली स्टेटमेंट से निकाला था ना, इसका कोई, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। अगर नहीं पता लगा सकते तो ये जो स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में जैसे तो पता लग गया था कि जो डब्ल्यू है वो लेस देन है क्यू से, बट सेकंड वाली स्टेटमेंट में नहीं पता लग रहा है कि कौन सा इन दोनों में से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो जो पहला कंक्लूजन है वो तो हो जाएगा गलत। अब आते हैं सेकंड वाले कंक्लूजन पे, इसमें दिया है जो जी है वो एन से छोटा है। तो जो पहले, देखो कॉमन तो वही रहेगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू ही कॉमन रहेगा दोनों में, तो यहाँ पे जी और एन का बताना है। तो ये, तो ये भी डब्ल्यू के पास है और ये भी डब्ल्यू के पास है, तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जो ये है, ये एन है, ये क्या है, डब्ल्यू से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो किससे बड़ा है, वो डब्ल्यू बड़ा है जी से। ठीक है, तो यानी कि एन डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू जी से बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एन है वो बड़ा हो जाएगा किससे, डायरेक्ट जी से बड़ा हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी यही दे रखा, जो एन है वो क्या है, वो बड़ा है किससे, जी से, या ये लिख सकते हैं जी छोटा है एन से। इसमें भी जी क्या है, छोटा है एन से। तो ये वाली जो कंक्लूजन होगा हमारा, ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ये, बट इसमें थोड़ा सा हमें समझने की, थोड़ा सा रीजनिंग मोर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इजी होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे चार ऑप्शन हमें दिए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा ओड है। देखो पोलर बियर होता है एक नंबर, सेकंड पे दिया आर्कटिक वोल्फ दिया हुआ है, नंबर तीन कैमल दिया, और नंबर चार मस्क ओक्स दिया हुआ है। तो ये इनमें से तीन चीजें क्या है, बर्फ में रहती हैं। जो बियर भालू होता है, पोलर बियर, ये भी बर्फ में रहता है। आर्कटिक वोफ है, ये भी बर्फ में रहते हैं। कैमल क्या है, रेगिस्तान में रहता है। और मस्क ओक्स क्या होता है, जो बैल टाइप का होता है, ये भी बर्फ में रहता है। जैसे आप कभी शिमला मनाली गए होंगे तो वहां पे याक होगा, होता है, आपने देखा होगा, वो इस टाइप का ही दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है जो इसमें ये लिखा हुआ है। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये बर्फ में दिखाई होते हैं, और ये जो कैमल है वो कहाँ, रेगिस्तान में था। तो जिसका ओड आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री इसका ओड आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, और इसी तरह कैसे पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।